भैया पांचे व्रत कथा। भैया पंचमी को भैया पाचम भी कहा जाता है। भैया पाचम का व्रत सावन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। यह पर्व भारत सहित नेपाल में भी हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन बहनों के द्वारा भैया पांचे व्रत रखा जाता है। इस खास मौके पर मंदिरों में बहनों के द्वारा वृक्षों की पूजा तथा कलावा बांधकर अपने भाई के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की जाती है। व्रत विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। एक पात्र में रात के भीगे हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर जल से भरा हुआ लोटा लेकर एक पौधे के पास जाते हैं। पौधे की किसी की एक टहनी पर जल चढ़ाया जाता है और हल्दी का तिलक लगाया जाता है। घर के सदस्यों को भी हल्दी का टीका लगाया जाता है। लोटे पे कलावा बांधकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। भैया पांचे के दिन कहानी सुनाने का प्रचलन है। कहानी सुनते हुए हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं और कहानी सुनने के बाद मोठ चने वहीं चढ़ा दिए जाते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। वहीं घर में दरवाजे पर भी स्वास्तिक का प्रतीक बनाया जाता है। इसके बाद पानी लेकर मोठ चने, फल, मिठाई, रुपए सब एक थाली में रखकर सीधा निकालते हैं। यह सीधा सास, जेठानी, ननंद आदि को दिया जाता है। यदि उपरोक्त में से कोई ना हो तो यह सीधा किसी बुजुर्ग महिला को भी दिया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भैया पांचे की व्रत की कथा। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। भैया पांचे के दौरान बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे। बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो मिलता है वह पर्याप्त है। यह कहकर बेटा अपनी बहन के घर रवाना हो गया। वह अपनी बहन के घर पहुंचता है, बहन भाई को देख लेती है, लेकिन उस समय वह सूत कात रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन तार जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा, लगता है कि मेरी बहन को मेरे आने की खुशी नहीं हुई, इसलिए वह वापस जाने लगा। इतने में बहन के सूत का तार जुड़ गया। वह दौड़कर भाई को रोकती है। बहन कहती है, भाई मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया, उसकी कलाई पर राखी बांधी। बहन अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसके स्वागत के लिए क्या करूँ। पड़ोसन उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। उसने कहा, तेल से पोंछा लगाना और घी में चावल बनाना। बहन भाई के आने की खुशी में पागल हो रही थी। उसने वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने बताया। बहुत देर हो गई। भाई ने बहन से कहा, अब तो बहुत भूख लग रही है। बहन ने कहा, भैया इतनी देर से चावल पक ही नहीं रहे हैं। जब भाई को यह मालूम हुआ कि चावल घी में पक रहे हैं, तो उसने कहा कि चावल घी में नहीं पकेंगे। भाई के कहने पर बहन ने दूध लाकर खीर बनाई। बहन ने भाई को बहुत ही पकवान बनाकर खिलाए। भाई ने बहन से कहा, सुबह अंधेरे में ही मैं वापस घर चला जाऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। बहन ने भाई के लिए लड्डू बांधे और भाई रवाना हो गया। भाई के रवाना होने के बाद बहन के बच्चे भी अपनी माँ से लड्डू मांगते हैं। वह देखती है कि लड्डुओं में तो सांप पिस गया है। वह दौड़कर अपने भाई के पीछे भागती है। जब वह अपने भाई के पास पहुँचती है और कहती है, भाई वे लड्डू मत खाना, क्योंकि उसमें सांप पिस गया है। तब भाई ने कहा, बहन जब मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उन लड्डुओं को कोई चोर ले गया। जब बहन और भाई ये सब बातें कर रहे थे तो वही चोर ये सब बातें भी सुन रहा था। चोर ने भाई बहन की सारी बात सुन ली और चोर को अपनी चोरी का पश्चाताप हुआ। साथ ही उसने उस बहन से कहा, हे बहन, तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। इस तरह से बहन ने अपने और चोर भाई की जान बचाई। हे प्रभु, कथा कहने और सुनने वाले सब भाई बहनों को दीर्घायु प्रदान करना। आशा करती हूँ दोस्तों, आप सभी को यह भैया पांचे की कथा और संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।